हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टैक मैंने बनाया है और यहाँ पर स्टैक का एक फंक्शन होता है कि अगर स्टैक पूरी तरह से भर जाए तो इज फुल, ये देखिए ये इज फुल नाम का फंक्शन है। अगर स्टैक पूरी तरह से भर जाता है, स्टैक की जो साइज है वो पूरी तरह से भर जाती है, स्टैक में अब कोई और जगह नहीं बचती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैक की साइज मैक्सिमम क्या रखी गई है, 5 रखी गई है, और 5 से अधिक होने पर ये बताएगा कि मतलब फुल हो गया या नहीं हो गया। तो फुल हो गया तो अब और अधिक जो है इसमें एलिमेंट्स को ये स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ से चलते हैं रन पे और इसको रन करवाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे गए, रन पे क्लिक, यहाँ पर किसी भी नाम से इसे सेव करके .py लगा देते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये क्या लिख रहा है, स्टैक इज फुल कैन नॉट पुश मोर आइटम्स, यानी कि इसके बाद अब और अधिक आइटम्स इसमें पुश नहीं किए जा सकते, ठीक है। अगर पुश किए जाते तो क्या होता, यहाँ पर साइज बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है जो ये फंक्शन है इज फुल, ये स्टैक का ही फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है इज एम्प्टी, तो इनका यूज आप कर सकते हैं स्टैक के अंदर, ठीक है। और स्टैक क्या होता है, स्टैक वही लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर इज फुल फंक्शन का यूज किया है हमने, ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ पे डेफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम डिफाइन करना चाहते हैं। और यहाँ पे पॉप लगाया, पॉप क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम रिमूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पॉप भी स्टैक का एक फंक्शन है, और यहाँ पे तो देख ही रहे हैं आप इज फुल जो है ये भी स्टैक का एक फंक्शन है। और ये लेंथ जो है लेंथ बताता है, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और पुश क्यों यूज करते हैं, पुश इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट कराएं, ठीक है।